कि ये सुओ मोटो, ये नोटिसेज, ये रातों को डालते हैं, ये दिन को डालते हैं, और ये तशवीश, ये एंग्जायटी जो है, ये जब कानून पामाल हो रहा था, आईन पामाल हो रहा था इसी शख्स के, इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर, शहबाज शरीफ अदालत में जाता है आशियाना के लिए, पकड़ लिया उसको साफ पानी में, और किसी ने नहीं पूछा 90 दिन पूरे हमने गुजारे, यहां तो 14 दिन का रिमांड था, हमने तो कानून जो है वो अमेंड कर दिया, और उसका सबसे पहला जो है बेनिफिशरी जो है वो इमरान खान हुआ। खैर ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन उन 90 दिनों में किसी को ख्याल ना आया कि हम इन लोगों को बुला के भी पूछ लेंगे आप पे क्या गुजर रही है, इनकी कस्टडी भी किसी रेस्ट हाउस में दे दें। मुझे 12 दिन जो है जमीन के ऊपर उन्होंने 2 कंबल दे के लटा दिया जेल के अंदर, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो उस रेस्ट हाउस में फैसिलिटीज का भी पूछा जाता है कि जहां पे इनको रात रखा जा रहा है वहां पे फैसिलिटीज क्या है। ये इस मुल्क में 2 मयार क्यों हैं? ये हर जगह 2 मयार हैं, आम जिंदगी में भी 2 मयार हैं, कानून के भी, आईन के भी, हर चीज के 2 मयार हैं। वो कहते हैं मुझे डंडे मारे गए हैं, उसके बाद मुझे कोई चीज याद नहीं रही। अभी याददाश्त जो है इसी तरह, जब मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि जब चाहा याददाश्त जो है गायब हो गई, जब चाहा याददाश्त वापस आ गई, मेडिकल उनका जो तहवील में हुआ है, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मेडिकल हुआ है, वो मेडिकल और उनके जाती अस्पताल जो खैराती अस्पताल है उसके मेडिकल में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे जो उनके जख्म जो हैं, वो जख्म जो हैं वो उनकी नोयत और है, यहां पे 7 डॉक्टरों ने जो कुछ किया है उनकी नोयत और है। तो ये कौम को कब तक जो है बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? 400-500 गज का फासला है, कम से कम 400-500 कदम का तो जरूर फासला है। वो जल के जो कॉरिडोर में गए तो उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और सारे पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा कि वहां पे उनको व्हीलचेयर की जरूरत ना पड़ी, और ना खुदा नखास्ता उनकी चाल में कोई ये जाहिर हो रहा था कि इनकी एक टांग जो है वो जख्मी है या उसमें तकलीफ है, या जिस तरह वो कहते रहे हैं कि मुझे दुख है। फिर जो है पुरतशद्दद मुजाहिरों के, अगर वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो जो गिरफ्तारी से पहले उनका वीडियो पैगाम नशर हुआ है उसमें क्या तलकीन की गई थी, उन्होंने अपने जो है वो वर्कर्स को क्या कहा था? क्या उन्होंने तशद्दद के लिए नहीं उकसाया? क्या उन्होंने वायलेंस जो है वो प्रीच नहीं किया, और उस वायलेंस का क्या नतीजा रहा? अदालते उज़्मा को सुओ मोटो लेना चाहिए था शोहदा की यादगारों के ऊपर, जिन्होंने जाने कुर्बान किए इस वतन के लिए, उनकी जो है यादगारों के ऊपर हमला हुआ, उनको डिफेस किया गया, उनकी बेहुर्मती की गई, आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वतन की दफा के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो इंस्टॉलेशनें इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हुआ, इसका तो कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया, इससे तो कोई तशवीश की लहर नहीं दौड़ी अदलिया के अंदर। लेकिन एक फर्दे वाहद जो है
मैं को अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि उसको बड़ी इज्जत आबरू के साथ जो है एक रेस्ट हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ किसी रेस्ट हाउस में ना रहा, आसिफ जरदारी साहब किसी रेस्ट हाउस में ना रहे, उनकी हमशीरा किसी रेस्ट हाउस में ना रही, मरियम नवाज किसी रेस्ट हाउस में ना रही, मैं और शहबाज शरीफ जो है हमसाए थे जेल में, हमारा सेल था, साथ साथ हमारे हमजा भी था, हमें तो किसी रेस्ट हाउस में ना रखा गया, हमें तो घर से खाना मंगवाने के लिए भी अदालतों में जाना पड़ता था। यहां अदालत उज़्मा ने इंश्योर किया है कि वहां पे तमाम फैसिलिटीज, 7-10 बंदे भी जाके मिले। हर चीज को जो है वो कलम बंद किया गया है, श्योर किया गया है कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो है जो इमरान खान साहब की जरूरत हो वो उससे महरूम ना हो, बकायदा ऑर्डर में लिख दिया गया है। मुझे ये बताया जाए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि ये दोहरा मयार क्यों है? उसने पाकिस्तान में तमाम, कम से कम पंजाब में और केपी के अंदर जिस तरह घराओ जलाओ और जिस तरह की जो है वो जबान इस्तेमाल की है उसके लीडरों ने, ख्वातीन लीडरों ने भी, आप प्रेस वाले हैं, आपको सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि उनकी साबिक वज़रा जो हैं क्या कह रही हैं, उनके लीडर क्या कह रहे हैं, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरफ जाने की हदायत की जा रही है कि आपने फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। क्या ये मुल्क की सालमियत पे हमला नहीं है? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? क्या ये बनता नहीं है कि इसका नोटिस लिया जाए? क्या अदलिया की के कान पे झूम ही रेंगी है इन चीजों के ऊपर? बड़ा पोलाइटली अदब के साथ कहा जाए, हमारी ख्वाहिश है, यानी अदलिया जो है वो ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी जो है गुरेज कर रही है, वो ख्वाहिश जो है रिक्वेस्ट कह देते। तो ये जो है इस तरह जो ये हालात हैं, कोई नहीं, वक्त जो है वो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह हालात जो है करवट लेते हैं, लेकिन एक गुफ्तगू जो है मंजरे आम पे आई है, वहां पे एक वकील साहब जिनका नाम जो है उसके नाम के साथ सरनेम मेरे वाला ही है, वो एक आपकी बिरादरी के बंदे को बता रहे हैं कि फैसला ये आना है। एनजी है ना गल को, मैं गलत नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं उन्होंने। कयूम सिद्दीकी साहब को कुछ और भी बताया है जो सोमवार मंगल को होने वाला है। नहीं, सही नहीं पहुंचे। आप देखें, और फिर यह है कि एक मुल्जम, हमें कम से कम, मैं 6 महीने कैद में रहा हूं और 3 बेंच टूटे थे, लोग हमारी जमानत की एप्लीकेशन जो सुनने से इनकारी होते, 3 बेंच। वज़ीर-ए-दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लीक्स